जानिसार ड्रामे के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर नौशरवा गजनवी को जैसे ही होश आता है तो दोस्तों यहाँ पर नौशरवा को पता चलता है कि दुआ जेल में है। तभी यहाँ पर दोस्तों नौशरवा कहता है कि बाबा हमें किसी भी हाल में दुआ को जेल से बाहर निकालना होगा। वहीं पर दोस्तों कश्माला कहती है कि नहीं, उसे जेल से बाहर निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर दोस्तों जो बाबा हसाई होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ बेटा, कश्माला बिल्कुल सही कह रही कि हमारे हिसाब से यहाँ पर दुआ को जेल से बाहर हमें नहीं निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नौशरवा गजनवी सारी हकीकत जानता था। बाबा साइड से कहता है कि वैसे भी उस लड़के ने तुम्हें जहर देने की कोशिश की है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है, और खुद कश्माला ने ये सारी चीज़ें देखी है। वहीं पर गजनवी दोस्तों जाफर से कहता है कि जाओ अभी दुआ को जेल से बाहर निकाल कर लाओ। तब यहाँ पर बाबा भी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्यों यहाँ पर गजनवी उसे जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, हालांकि उस लड़की ने तो जो शेरियार दोस्तों की जान लेने की कोशिश की है। वहीं पर दोस्तों गजनवी यहाँ पर दोस्तों जाफर से कहता है, और दोस्तों जाफर जैसे ही जेल में पहुंचता है और दुआ को बाहर निकालने के लिए दोस्तों लॉकअप से जरर से कहता है, यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हम उसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोस्तों जो इंस्पेक्टर था उसने दोस्तों यहाँ पर कश्माला से पैसे खाए थे। उसे अब डर लगने लगता है, किसी काम के तो पैसे ही मिले थे, अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो शायद मुझे भी डांट पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही गजनवी से दोस्तों वो बात करता है तो उसे भी डर लगने लगता है, और उसे मजबूरन दोस्तों दुआ को छोड़ना ही पड़ता है। वहीं पर दोस्तों जो फिजा थी वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने सुना है कि सरफराज दुआ की बेल करवाना चाहता था। तभी यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ कहती है कि हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि सरफराज दुआ की बेल करवाना चाहता था, और उसने काफ़ी सारे पैसे भी इकट्ठे किए थे। वहीं पर दोस्तों फिजा कहती है कि ये आप क्या कह रही है, उसने तो आज तक 10 रुपये मेरे ऊपर खर्च नहीं किया और वो जाकर उसकी बेल करवा रहा है। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि खुद को संभालो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। वो पहले से ही दोस्तों फिजा बहुत ज़्यादा बदगुमान थी दुआ को लेकर, उसे अब और भी ज़्यादा बदगुमानी होने लगती है अपनी दोस्तों बेटी यानी कि बहन को लेकर। यहाँ पर दोस्तों दुआ को समझ में ही नहीं पाती कि बेचारी दुआ कितनी सारी मुसीबतों में गिरी हुई है, क्योंकि कश्माला ने उसका जीना मुश्किल करके दोस्तों यहां पर रख दिया है।